हाय गाइस, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत के जमाने में हमारा भारत किस तरीका का था। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें गाइस दे रखा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, यानी कि भारत पर आक्रमण जिसने किया वो पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। कितने में? 712 ईस्वी में। मैं लिख रखा है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था, वो कहां का रहने वाला था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का रहने वाला था, सऊदी अरब से वो आया और उसने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी पे और भारत के आधे भाग पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिम भारत पर हमला किया, यानी कि पश्चिम भारत की तरफ से वो आया अरब से और वहां पर उसने हमला किया और वहां पर हमला करने के बाद, आक्रमण करने के बाद वहां पर उसने कब्जा किया। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा क्षेत्र जीता, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया भारत पर तो कौन सा क्षेत्र उसने जीता जिसमें उसने राज किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध व मुल्तान, यानी कि दो शहर हैं ये सिंध और व मुल्तान, ये दोनों शहरों पर उसने अपना शासन चलाया। गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था। अब बात आ रही है यहाँ तुर्कियों की, यानी तुर्की लोगों की। तो भारत पर सबसे पहला तुर्की आक्रमण किया था सुरपुतगीन ने। सुरपुतगीन जो गजनी के रहने वाले थे, उन्होंने भारत पर हमला किया, सबसे पहला तुर्की आक्रमण किया था सुरपुतगीन ने। सुरपुतगीन के बेटे का नाम था महमूद गजनवी। गाइस, अगर आता है कि सुरपुतगीन कहां के रहने वाले थे, तो सुरपुतगीन गाइस रहने वाले थे गजनी के और इनके बेटे का नाम था महमूद गजनवी। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी किसका पुत्र था, यानी कि महमूद गजनवी किसका पुत्र था, सुरपुतगीन का, जो मैंने अभी बताया था सुरपुतगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। गाइस, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का शासक किस वर्ष बना, यानी कि महमूद गजनवी का जब शासक बना तो किस वर्ष बना था महमूद गजनवी का शासक। गाइस, 998 ईस्वी में महमूद गजनवी का शासक बना, 998 ईस्वी में गाइस महमूद गजनवी का शासक बना। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी जो थे, उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो गाइस, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सन 1001 से लेकर सन 1027 तक, यानी कि 26-27 साल में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। गाइस, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया। गाइस, महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला सन 1006 में किया, 1006 ईस्वी में गाइस उन्होंने हमला किया था। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया। सर देखिएगा, सोमनाथ जो मंदिर है उस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सन 1025 में। मैंने लिख रखा है गाइस, 1025 में जो गजनवी थे, महमूद गजनवी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जो भारत में है। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, यानी कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक था, इसकी वजह से इसकी स्थापना की गई भारत में तुर्की राज्य की, तो मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहां हमला किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले मुल्तान में हमला किया, सबसे पहले मुल्तान क्षेत्र को जीता और वहां पर हमला किया उन्होंने। गाइस, ये जो 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, गाइस और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत को लेकर, तो मैं और भी आपको बताऊंगा। गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं।